हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स किचन। तो आज फिर से एक यूनिक मैंगो डेजर्ट है, वो है स्टफ्ड मैंगो कुल्फी, जो कि कम इंग्रेडिएंट्स में ही बनने वाली रेसिपी है। ये दिखने में जितना सुंदर है उतना खाने में अच्छा लगेगा, और गर्मी का मौसम है, आम का सीजन भी है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिया है दूध, वो है 300 ml, यानी पाव लीटर से थोड़ा ज़्यादा। एक पका हुआ आम, मैंने 10 रुपए वाला नेस्ले का एवरीडे मिल्क पैकेट, उसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, साथ ही लिया 1 टेबलस्पून शक्कर, और स्ट्रॉबेरी क्रश या जैम ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए, क्योंकि टोटली ऑप्शनल है। तो सबसे पहले आपको पैन लेना है, उसे गर्म करना है और उसमें ऐड करना है कच्चा दूध। अब हमारा जो दूध है वो उबलने तक हम एक काम कर सकते हैं, जो आम है उसे कट करना है आपको, पर किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको बस आपको क्या करना है, इसके अंदर की जो कूसली होती है वो आपको अलग करना है इसके पल्प से। एक बात का ध्यान रखना है कि जो आम का कवरिंग है, यानी जो ऊपर का छिलका है, वो फटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो क्रीम बनाने वाले हैं वो इसके अंदर डालने वाले हैं। तो ये निकालने में थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये हो जाता है आसानी से। तो आप देख सकते हैं ये कूसली को मैंने निकाल दिया है, और ये काफ़ी अच्छे से उसका पल्प अंदर से रह गया है। तो जो पल्प है बचा हुआ कूसली में, वो भी मैं निकाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी। तो आइए हमारा क्रीम रेडी करते हैं। अब मैंने ऐड किया है इसमें मिल्क पाउडर और 1 चम्मच शक्कर। आप स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं मैंगो की स्वीटनेस के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं दूध को मैंने बस एक हल्का बॉईल दिया था, फिर उसको मैंने लो हीट पे मिक्स कर लिया है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब उसमें ऐड कीजिए आपको चॉप नट्स, आपको जो भी पसंद है, मैंने बादाम डाला है इसी में। अभी उबल रहा है, आपको मीडियम फ्लेम पर अभी इसे कुक करना है, और ये लगभग 10 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि क्रीम होती है गाढ़ी वैसी ही हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाले हैं इस रेसिपी पे। तो आप देख सकते हैं, आप सेम प्रोसीजर मटका कुल्फ़ी जो हम बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बस हमें एंड में मटका कुल्फ़ी के लिए इलायची पाउडर ऐड करना है, बाकी इंग्रेडिएंट सारे सेम हैं। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद ये कैसी गाढ़ी हो चुकी है, और ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, जैसे आपको दिख रही है इसकी कंसिस्टेंसी। तो हमारी जो क्रीम है वो रेडी हो चुकी है बिना मावे के, इसमें एक मावा का फ्लेवर भी आएगा। तो अब इसको ठंडा होने मैंने रख दिया है, 15 से 20 मिनट बाद ये ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कैसी गाढ़ी गाढ़ी क्रीम बनी है, जैसे मावे में होती है वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, जो आम हमने रखा है कूसली निकाल कर, उसमें हम डाल देंगे। वैसे धीरे धीरे आपको डालना है, नीचे कोई ग्लास या कप रखकर आराम से। तो मैंने जो साइड में क्रीम लगा हुआ था वो निकाल लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी लगभग 8 से 10 घंटे के लिए। और जो बचा हुआ क्रीम है आप सेट करने रख सकते हैं कुल्फी के लिए। तो आप देख सकते हैं 8 घंटे बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे छिलका जो इसके ऊपर का है वो निकाल लूँगी और इसे स्लाइस कर लूँगी आराम से। तो स्लाइस भी आराम से हो जाएगा। तो वीडियोस निकालते निकालते थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है क्रीम हमारी, बट यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ किया है इसे गार्निशिंग के लिए, ताकि अच्छा दिखे। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप चॉप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं इसे गार्निशिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंगो डेजर्ट रेडी है हमारा, गर्मी के मौसम का स्पेशल आम के साथ, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।